वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम 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 बैक टू टेक फेस्ट इन्फ्लुएंसर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपके साथ बेस्ट रेफ्रिजरेटर अंडर 20,000 के सीरीज में एक ऐसे रेफ्रिजरेटर के बारे में बताने वाला हूं जिसे अगर आप परचेज करते हैं तो आपको मिनिमम पावर कंजम्पशन देखने को मिलेगा, यानी कि आप मैक्सिमम सेविंग कर सकेंगे। दूसरा, अगर आप इस रेफ्रिजरेटर को परचेज करते हैं तो आपको 20 ईयर्स की वारंटी आपको इस कंडेंसर पे देखने को मिलेगा। तीसरा, अगर आप इस रेफ्रिजरेटर को परचेज करते हैं तो आपको इसमें इन्वर्टर बैटरी के साथ साथ सोलार सिस्टम भी देखने को मिलेगा, यानी कि आप 24/7 अपने फूड को, अपने वेजिटेबल्स को फ्रेश रख सकेंगे। तो चलिए उस रेफ्रिजरेटर से आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं, और वो रेफ्रिजरेटर है सैमसंग का 246 लीटर 3 स्टार सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर। सैमसंग के 246 लीटर 3 स्टार रेफ्रिजरेटर उन लोगों के लिए है जिनका बजट लो है और जो हाई कैपेसिटी वाले रेफ्रिजरेटर लेना चाहते हैं, यानी कि लो बजट में हाई कैपेसिटी रेफ्रिजरेटर अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ये रेफ्रिजरेटर आपके लिए बेस्ट हो सकता है। दोस्तों सैमसंग के 246 लीटर 3 स्टार सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में आपको फ्रिज का सेक्शन जो है वो 229 लीटर का देखने को मिलेगा, वहीं पे फ्रीजर का जो सेक्शन है वो आपको 17 लीटर का देखने को मिलेगा। दोस्तों सैमसंग के 246 लीटर 3 स्टार सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में पावर कंजम्पशन जो है वो 174 यूनिट पर ईयर है। अगर आप इस रेफ्रिजरेटर को परचेज करना चाहते हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये रेफ्रिजरेटर उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके घर में 3 to 4 मेंबर या फिर 4 to 5 मेंबर रहते हैं, यानी कि स्मॉल फैमिली मेंबर के लिए ये रेफ्रिजरेटर बिल्कुल सफिशियंट है, बिल्कुल सही है। बेस्ट रेफ्रिजरेटर अंडर 20,000 के सीरीज में आज मैं आपके साथ सैमसंग के 246 लीटर 3 स्टार सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के बारे में बात कर रहा हूं। और जब मैं आपके साथ इस रेफ्रिजरेटर के बारे में बात कर रहा हूं तो इसमें डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों ये डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है, आप इसे सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें इन्वर्टर कंप्रेसर का इस्तेमाल किया गया है। ये इन्वर्टर कंप्रेसर ऑटोमेटिकली जो है तो कूलिंग को आपके डिमांड के अनुसार, यानी कि आपके रेफ्रिजरेटर में कूलिंग के डिमांड के अनुसार मेंटेन करने का काम करता है। साथ ही ये आपका मिनिमम पावर कंजम्पशन करता है जिसके कारण आपको हाई एनर्जी एफिशिएंसी देखने को मिलेगा। इस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की वजह से आपको बहुत कम नॉइज देखने को मिलेगा, साथ ही इसका परफॉर्मेंस जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये बहुत अच्छा फीचर्स होता है और आपको ये फीचर्स हर रेफ्रिजरेटर में देखने को मिलता ही है। सैमसंग के 246 लीटर 3 स्टार सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में टफेंड ग्लास सेल्स का इस्तेमाल किया गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब आप रेफ्रिजरेटर को ओपन करेंगे तो उसमें कई प्लेट्स दिए होते हैं और वो प्लेट्स जो है टफेंड ग्लास सेल्स का बना होता है, यानी कि वो बहुत स्ट्रांग होता है। इस रेफ्रिजरेटर में आपको टोटल 4 टफेंड ग्लास सेल्स देखने को मिलेगा और इसकी कैपेसिटी जो है, होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो 175 केजी है, यानी कि आप इस रेफ्रिजरेटर के टफेंड ग्लास सेल्स पे 175 केजी तक का अपने फूड्स को स्टोर करके रख सकते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बेस्ट रेफ्रिजरेटर अंडर 20,000 के सीरीज में आज मैं आपके साथ सैमसंग के 246 लीटर 3 स्टार सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के बारे में बात कर रहा हूं। दोस्तों इस रेफ्रिजरेटर में एंटीबैक्टीरियल गैस्केट का इस्तेमाल किया गया है। ये क्या है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों जब आप डोर को ओपन करेंगे तो डोर में आप देखेंगे चारों तरफ से एक रबर का लेयर बना होता है जिसे एंटीबैक्टीरियल गैस्केट के नाम से जाना जाता है। ये जो है बैक्टीरिया को, डस्ट को, फंगस को जो है सो आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर इंटर करने से रोकता है। ऐसा करने की वजह से आपका फूड जो है तो फ्रेश रहता है और लंबे समय तक हाइजीन रहता है, और यही कारण है कि आप अपने कुकिंग किए हुए फूड को लंबे समय तक स्टोर करके रेफ्रिजरेटर में रख पाते हैं। वाकई में ये बहुत अच्छी चीज है। दोस्तों सैमसंग के 246 लीटर 3 स्टार सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में बॉटल को रखने के लिए एक अलग से बॉटल डोर गार्ड दिया गया है। इसमें जो बॉटल डोर गार्ड दिया गया है उसमें आप 2 लीटर के 3 बोतल को और 1 लीटर के 1 बोतल को स्टोर करके रख सकते हैं। इस रेफ्रिजरेटर में फ्रूट को हैंगर करके रखने के लिए एक सेपरेट जगह दिया गया है, यानी कि आपको इस रेफ्रिजरेटर में एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है जिसमें आप अपने फ्रूट को स्टोर करके रख सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल रहा है। सैमसंग के 246 लीटर 3 स्टार रेफ्रिजरेटर में आपको बेस्ट ड्रॉअर देखने को मिलेगा। ये बेस्ट ड्रॉअर क्या है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये बेस्ट ड्रॉअर जो है तो आपको रेफ्रिजरेटर के बॉटम पार्ट में देखने को मिलेगा, निचले वाले हिस्से में देखने को मिलेगा,
जहाँ पे आप एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स को, जैसे ड्राई वेजिटेबल्स, जैसे कि आलू हो गया, प्याज हो गया, जो जल्दी खराब नहीं होता, ऐसे वेजिटेबल्स को आप उस ड्रॉअर में स्टोर कर सकते। इस रेफ्रिजरेटर में आपको सेफ बैक क्लीन का फीचर्स भी दिया गया है, यानी कि जब आप रेफ्रिजरेटर के बैक को देखेंगे तो उसमें सेफ क्लीन बैक देखने को मिलेगा। अगर आपके घर में रेट की समस्या है या फिर उसे अगर आपको क्लीन करना है तो ऐसे कंडीशन में ये सेफ बैक क्लीन जो है बहुत अच्छा काम करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है रेट से, और साथ ही आप इसे बड़े आसानी से क्लीन भी कर पाते हैं। सैमसंग के 246 लीटर 3 स्टार सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी का फीचर दिया गया है। अगर आपके घर में इन्वर्टर बैटरी का व्यवस्था है तो आप इसे इन्वर्टर बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं, जिस वजह से आपका ये रेफ्रिजरेटर 24/7 आपके लिए वर्क करने के लिए रेडी रहता है और आपका फूड जो है वो 24/7 फ्रेश रहता है। ये बहुत अच्छी बात है इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी का फीचर दिया है। बेस्ट रेफ्रिजरेटर अंडर 20,000 के सीरीज में आज मैं आपके साथ सैमसंग के 246 लीटर 3 स्टार सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के बारे में बात कर रहा हूँ। इस रेफ्रिजरेटर में सोलर कंपैटिबिलिटी का भी फीचर दिया गया है, यानी कि आप इन्वर्टर बैटरी के साथ साथ आप इस सोलर सिस्टम से भी कनेक्ट करके इस रेफ्रिजरेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है अगर आपके घर में सोलर सिस्टम है तो। दोस्तों सैमसंग के 246 लीटर 3 स्टार सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन दिया गया है। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन इसीलिए दिया गया है कि अगर आपके एरिया में वोल्टेज फ्लक्चुएशन का समस्या रहता है तो ये फीचर जो है तो उस वोल्टेज को मेंटेन करके रख। यहां मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूंगा, वो ये कि अगर आपके एरिया में वोल्टेज का बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन रहता है तो आप अपने लिए एक अलग से स्टेबलाइजर को जरूर परचेज कीजिए। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपके रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर खराब हो गया तो आप मान करके चलो कि आपका रेफ्रिजरेटर खराब हो गया। इसीलिए मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करूंगा कि अगर आपके एरिया में बहुत ज्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन रहता है तो आप जरूर से एक स्टेबलाइजर को परचेज कीजिए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। सैमसंग के 246 लीटर 3 स्टार सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर का वेट 45 केजी है, वहीं पे आपको इस रेफ्रिजरेटर का जो नॉइज लेवल है वो आपको 40 डीबी देखने को मिलेगा। अगर आप सैमसंग के 246 लीटर 3 स्टार सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर को परचेज करते हैं तो आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको इसके कंप्रेसर पे 20 ईयर्स की वारंटी दिया जाता है। कोई भी कंपनी हो 20 ईयर्स की वारंटी कंप्रेसर पे नहीं देता है, एकमात्र सैमसंग है जो अपने कंप्रेसर पे 20 ईयर्स की वारंटी दे रहा है। अगर आपको अच्छी वारंटी पैकेज चाहिए तो आपको इस रेफ्रिजरेटर को अपने लिए जरूर कंसीडर करना। तो ये रहा सैमसंग के 246 लीटर 3 स्टार सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के बारे में जानकारी, जिसमें मैंने आपको इसके हर एक फीचर्स के बारे में डिटेल्स में समझाया और साथ में आपको मैं ये भी बताया कि वो आपके लिए कैसे लाभदायक है। अब मैं आपके साथ इस रेफ्रिजरेटर के प्रोज एंड कॉन्स पे चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस कंडीशन में आपको इस रेफ्रिजरेटर को अपने लिए कंसीडर करना चाहिए और किस कंडीशन में आपको कोई और रेफ्रिजरेटर अपने लिए कंसीडर करना चाहिए। मैं पहले भी बोला हूं और फिर से बोल रहा हूं कि अगर आपका बजट 20,000 है और आप लार्ज कैपेसिटी वाला रेफ्रिजरेटर लेना चाहते हैं तो आपके लिए सैमसंग के 246 लीटर 3 स्टार सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर से बेहतर कोई रेफ्रिजरेटर नहीं होगा, क्योंकि इतना ज्यादा स्पेस आपको दूसरे रेफ्रिजरेटर में देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा सेल्स और स्पेस भी दिया गया है और इसमें सेफ क्लीन बैक का फीचर दिया गया है, यानी कि सेफ क्लीन बैक का फीचर सिर्फ और सिर्फ सैमसंग ही देता है। दूसरे बहुत कम ऐसे रेफ्रिजरेटर हैं जिसमें आपको सेफ क्लीन बैक का फीचर देखने को मिलेगा, तो ये भी एक अच्छी बात है आपके लिए। इस रेफ्रिजरेटर का एक और अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसका डोर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। जब आप इसके डोर को ओपन करेंगे तो देखेंगे कि उसमें बहुत अच्छे से बोतल को रखने के लिए अलग से स्पेस दिया गया है, फ्रूट और को हैंग करने के लिए अच्छा से स्पेस दिया गया और बकायदा बहुत अच्छे से उसको डिजाइन किया है, तो मुझे ये अच्छा लगा। इसके अलावा मुझे जो इसमें थोड़ा सा कमी लगा वो ये कि इसमें फ्रीजर का जो स्पेस है वो थोड़ा सा कम दिया गया है। ये कोई कौन नहीं है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। अगर आपको सिर्फ फ्रिज का स्पेस चाहिए, फ्रीजर का बहुत ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए तो आप इस रेफ्रिजरेटर को अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। ये रेफ्रिजरेटर आपके लिए बहुत बहुत शानदार रहने वाला है। इसमें आपको 20 इयर्स की वारंटी देखने को मिलता है, आप मैक्सिमम 50% तक पावर कंजम्पशन कम कर सकते हैं, ये ऐसा सैमसंग क्लेम करता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ 50% तक पावर को आप कम कर सकते हैं, ऐसा सैमसंग क्लेम करता है। इसके अलावा आपको जो है इसका देखेंगे डोर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। इसमें आपको इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी का फीचर मिल जाएगा, इसमें आपको सोलर कंपैटिबिलिटी का फीचर मिल जाएगा और 20 इयर्स की वारंटी भी मिल रहा है। दोस्तों 20,000 के रेफ्रिजरेटर में इससे बेहतर ऑफर आपको क्या चाहिए? अगर आपको अच्छा रेफ्रिजरेटर परचेज करना है तो आप इस रेफ्रिजरेटर को जरूर कंसीडर कर सकते हैं। मैंने आपके साथ सैमसंग के 246 लीटर 3 स्टार सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के बारे में बताया कि आपको किस कंडीशन में परचेज करना चाहिए और किस कंडीशन में आपको अवॉइड करना चाहिए। हालांकि अवॉइड करने के लिए कोई रीजन नहीं है,
फिर भी मैंने आपको वो भी बात बताया कि कैसा है इसका फ्रीजर का स्पेस। दोस्तों अगर आप इस रेफ्रिजरेटर को परचेज करना चाहते हैं या फिर आप इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लिंक पे क्लिक कीजिए और इस रेफ्रिजरेटर के प्राइस को चेक कीजिए और आप इस रेफ्रिजरेटर के फीचर्स को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही अपना परचेज कंप्लीट कीजिएगा। ऐसा करने से टेकफेस्ट इन्फ्लुएंसर यूट्यूब चैनल की बहुत ज्यादा मदद होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप टेकफेस्ट इन्फ्लुएंसर यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में जरूर मदद करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई रेफ्रिजरेटर परचेज करने जा रहे हैं और उनका प्राइस रेंज 20,000 के आसपास में है तो आप इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।